कोशिका निमिष्की का यहाँ पे जो टॉपिक है इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, जहां जैसे वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, कोशिका और अनुवांशिकी। यहाँ पे दो वर्डों से मिलकर बना है कोशानुवांशिकी। ठीक है, तो कोशिका के बारे में तो हमने जान लिया कि कोशिका क्या होती है, उसके क्या भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, केंद्रक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो अनुवांशिकी वर्ड है, अब उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कोशिका क्या है, आपको पहले लेक्चर में बताया था मैंने कोशिका क्या है एवं प्रकार्यात्मक इकाई, और अनुवांशिकी क्या है, यानी कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो अनुवांशिकी कहलाती है। इसके लिए कौन सी जिम्मेदार होता है अनुवांशिकी के इन चीजों को, मतलब विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना, इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं, यानी जो आपको पीढ़ी से मिलता है वो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की संख्या के मानों में कितनी होती है, कितने पेयर होते हैं, 23। अगर मैं पेयर की बात करूंगा, अगर मैं नंबर की बात करूंगा, ठीक है, इनकी एक चीज और यहाँ पे जान लीजिएगा, अगर मैं मेल की बात करूंगा फीमेल, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां मेल में आपके 22+1 होता है, वहां पे फीमेल में 23 होता है। अब ये 22 और 23 क्या है, ये आपके गुणसूत्र हैं जो एक्स और एक्स होता है, यहां पर आपके 22XX होता है और एक होता है XY। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये हमारे लिए जो हमारे माता पिता के जो लक्षण हैं वो आपके बच्चे में जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपके गुणसूत्र, क्योंकि कुछ पेयर जो होते हैं, ये पेयर क्या होते हैं, ये पेयर बनता कैसे है आपका 46, 23 आपको माता से मिलता है, 23 आपके पिता से, और वो एक पेयर बनता है जो बच्चे में लाते हैं, और वो पेयर 23 का अपने 23 आपके माता से, 23 आपके पिता से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो उससे मिलकर आपके 46 आपके जो गुणसूत्र है, 23 जो पेयर है बनता है, वो इस तरह बनते हैं। अब इसका कार्य क्या है, गुण लक्षणों की वंशा लेती, ठीक है, अब इनकी खोज किसने की थी, या इस वर्ड को यूज करने वाले जो थे, तो इसकी खोज की थी गुणसूत्र की स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की थी 1875 और वोल्टेयर ने इसको नाम दिया। ठीक है, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने, गुणसूत्र नाम दिया वोल्टेयर ने 1899। गुणसूत्र को बोला जाता है आपके वंशागति का भौतिक आधार। इसी तरह एक और वर्ड पूछा गया था, जीवन का भौतिक आधार किसे बोला जाता है, दो क्वेश्चन, वंशागति का भौतिक आधार किस चीज को बोला जाता है, और जीवन का भौतिक आधार किस अंग को बोला जाता है, किस तत्व को बोला जाता है। तो मैंने आपको पिछले में दिखाया भी था कि जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है जीव द्रव्य, जिसकी खोज परकिंजे ने की थी, और वंशागति का भौतिक आधार गुणसूत्र को बोला जाता है, जिसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने और नामकरण वोल्टेयर ने किया। ठीक है, गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, अगर संरचना की बात करें तो यहां पर आपको और इनके बीच ये होती है आपके गुणसूत्र की संरचना। कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपके सबसे ऊपरी पार्टिकल होता है उसको टीलोफियर बोला जाता है, और सेंट्रोमियर जो होता है वो बीच के जो ये पार्ट यहां से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उनको बोला जाता है सेंट्रोमियर।
सबसे ऊपरी पार्ट को आपको बोला जाएगा चिरोली। ठीक है, तो गुणसूत्र की संरचना में आपके डीएनए पाए जाते हैं, कुछ आपके क्रोमैटिड्स होते हैं जो आपके टूट कर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है वो दो लोगों से मिलकर बना, दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिनको बोला जाता है मैट्रिक्स और डीएनए। तो मैट्रिक्स और क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो आपका एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जिसमें पाए जाते हैं आपके क्रोमैटिन धागे, चालिका है, जिनके टूटने टूट के बन जिनके टूटने से बनता है आपका डीएनए। ठीक है, तो क्रोमैटिन जो आपका जालिका होती है या धागे होते हैं वो आपका टूटकर डीएनए बनता है, और साथ ही साथ आपके प्रोटीन का भी इनसे निर्माण होता है। तो अब यहां पे एक चीज वर्ड आता है, यहां पे जो बोला गया है जो प्रोटीन है इसको नाम दिया गया था हिस्टोन। ठीक है, जहां में प्रोटीन बन रहा है क्रोमैटिन जालिका के टूटने से दो चीजें बनी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन वो है जो आपके अनुवांशिक पदार्थों की सुरक्षा करता है और जिससे आपके अनुवांशिक पदार्थों की जो मूल प्रवृत्ति है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई, गुणसूत्र क्या होते हैं, उससे निर्माण कैसे हो रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको थोड़ी देर पहले स्टॉप करके सब चीजों को समझ लीजिए, लिखा तो मैं ऑलरेडी दूंगा आपको। ठीक है, जब पहले चीजों को समझ लीजिए, लिखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लिखने में ज्यादा जोर दे रहे हैं और चीजों को समझने ही नहीं, ये कोई फायदा नहीं है लिखने का, पहले चीजों को समझ लीजिए फिर लिखते रहिएगा, लिखा तो मैं वैसे भी ऑलरेडी देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए अनुवांशिकी जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपके गुणसूत्र, जो आपके ह्यूमन की बात करें तो उसमें 23 पाए जाते हैं जो आपके माता और पिता से मिलकर बनते हैं, एक पेयर पूरा मिलता है। गुणसूत्र की खोज चार्ल्स बर्गर ने की थी और उसको खोज नाम दिया गया था वोल्टेर। गुणसूत्र को वंशागति का भौतिक आधार भी बोला जाता है क्योंकि अनुवांशिक पदार्थों के लक्षणों का वाहक होता है। गुणसूत्र जो होता है उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स और डीएनए जो इसमें मेन होता है। मैट्रिक्स एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो आपके क्रोमैटिन धागे उसमें उस तरल पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन क्रोमैटिन धागों का या जालिका का क्या होता है, विखंडन हो जाता है और विखंडन होने के बाद इनका दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट जो आपका डीएनए बन जाता है और दूसरा भाग बनता है वो आपका हिस्टोन प्रोटीन बनता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये आपके एक तरह का सुरक्षा आवरण का काम करता है जो आपके अनुवांशिक पदार्थों की मूल प्रवृत्ति को चेंज नहीं होने देता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से। यानी कि मूल प्रवृत्ति से यहां आशय है कि पर्टिकुलर अगर कोई गुणसूत्र या जीन जो होता है आपके किसी एक लक्षण के लिए जिम्मेदार है या आपकी लंबाई के लिए कोई जिम्मेदार है, तो जब वो आपके माता पिता से किसी बच्चे में जा रहा हो तो उसकी मूल प्रवृत्ति वही रहनी चाहिए। यानी कि गुणसूत्र आपके पेयर जो है लंबाई के लिए ही जिम्मेदार है, उसकी मूल प्रवृत्ति पता लगा बच्चे में जाते चेंज नहीं होनी चाहिए, वो आपके बच्चे में जाए तो लंबाई के लिए ही उसमें जिम्मेदार रहे। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। तो यहां पर इसके बारे में लिख लीजिएगा आराम से, गुणसूत्र क्या होते हैं वो लिखिएगा। केंद्रक में क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है जो कोशिका विभाजन के समय कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं
इसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र को वंशागति का भौतिक आधार एवं आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुणसूत्र महीन, लंबे व अत्यधिक कुंडली धागे एवं अत्यधिक कुंडली धागे के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के तीन भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिक्स। देखिए पेलिकल जो है वो आपका सबसे बाहरी आवरण होता है। गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल बोला जाता है। मैट्रिक्स पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग, मैट्रिक्स पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग है। थर्ड, क्रोमेटिड्स कुंडलित धागे हुआ संरचना। क्रोमेटिड्स कुंडलित धागे हुआ संरचना। नेक्स्ट पॉइंट, गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जिसमें क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है। जो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में लिखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ की को सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे आनुवांशिक पदार्थ की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती है। जिससे अनुवांशिक पदार्थ की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती। प्रवृत्ति का नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, मनुष्य में 46, संख्या में लिखा रहा हूं, पेयर नहीं, ठीक है।
मनुष्य में 46, आलू में 48, आलू में 48 गुणसूत्र पाया, गुणसूत्रों की संख्या 48, टमाटर में 24, मक्का में 20, ड्रोसोफिला में 8, ड्रोसोफिला पौधा होता है, ड्रोसोफिला कितना सर 8, 8 ड्रोसोफिला में 8 होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसने दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं वे द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के कायिक कोशिका के विभाजन सॉरी हाँ कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह अगुणित कहलाते हैं, अगुणित, ठीक है। तो ये हमारे कोशिकानुवंशिकी के अंदर कोशिका और अनुवंशिकी के गुणसूत्रों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे न्यूक्लिक अम्लों की। गुणसूत्र के बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, आपको पता है क्या गुणसूत्र क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, क्रोमेटिन जालिकाएं क्या होती हैं, किसने खोजा, इसके क्या कार्य होते हैं, अनुवांशिकी क्या है, और पर्टिकुलर कई बार होता है कि किसी में कितने गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है ये भी पूछ ली जाती है, मनुष्य में क्या, किस में क्या, कुछ के बारे में लिखा दिया है, कुछ के बारे में पूछ लिया जाता है आप अगर लक खराब हो तो, ठीक है। तो हाँ, इसमें इस तरह क्वेश्चन, अब इतने सारे जीव हैं, किसके किसके गुणसूत्र हम याद करें, किसकी संख्या याद करें, हमें खुद के, कई लोगों को अपने मनुष्य में कितने होते हैं यही नहीं पता होते हैं, हम दूसरों का क्या पता करें, ठीक है। तो बाई लग अगर आपका चांस अच्छा रहा, चीजें आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लिक अम्लों की। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं,